हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूं जो आपके लिए डेली इंग्लिश स्पीकिंग में और ट्रांसलेट करने में दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें आप डेली यूज़ करते हैं और इनका ट्रांसलेशन भी आप बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस हम मोस्टली कंपैरिजन वाले हैं। सभी सेंटेंसेस, जैसे कि आपने डिग्रीज पढ़ी हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो सेंटेंस ये सभी हमारे पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस हैं। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, प्रिया उतने लंबे हैं जितनी कि राधा, दारा सिंह उतने बहादुर थे जितना कि सिंह, वह इतनी सुंदर है जितना कि चांद, राजू उतना काला है जितना कि कोयला, वह इतना अटल है जितना चट्टान। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हमें मिल रहे हैं तो इन सेंटेंसेस हम सभी में देख रहे हैं कि उतना जितना, उतनी जितनी, इतनी जितने, उतने जितने, ये सभी सेंटेंसेस में आ रहा है। ये सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, इन सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट, एक पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट पहले आएगा और लास्ट वाला सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो उतना या जितने के लिए हम लोग यहाँ कंपैरिजन, तुलना के लिए एज का यूज़ कर रहे हैं। एज तो एज एज उतना कि जितना, तो ये पॉजिटिव डिग्री में आपने पढ़ा है एज एज, सो एज और सच एज का यूज़ होता है। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में ही एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। तो अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देखें कि कैसे हमें ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एज, फिर उसके बीच में एडजेक्टिव, फिर एज के बाद सेकेंड सब्जेक्ट को हमें रख देना है। तो इस प्रकार से आप सभी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं, प्रिया उतनी लंबी है जितनी कि राधा। तो सेंटेंस हमारा पहला सब्जेक्ट प्रिया, प्रिया इज एज टॉल एज राधा, उतनी की जितनी के लिए एज एज के बीच में एडजेक्टिव टॉल को रखा गया। प्रिया उतनी लंबी है जितनी की राधा, तो प्रिया इज एज टॉल एज राधा। दारा सिंह उतने बहादुर थे जितना कि सिंह, तो दारा सिंह वॉज एज ब्रेव एज लायन, लायन मीन सिंह, तो दारा सिंह वॉज एज ब्रेव एज लायन। वह इतनी सुंदर है जितना चांद, वह इतनी सुंदर है, वह सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ मून, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ मून। राजू उतना काला है जितना कोयला, इस सेंटेंस को मिलो बना, उतना काला एज ब्लैक एज का यूज करा जाएगा। तो राजू इज एज ब्लैक एज कोल, वह उतना अटल है जितना चट्टान, अटल मीन्स होता है फिर्म, दृढ़ या फिर्म या अटल सब एक ही चीज है। वह उतना अटल है जितना चट्टान, तो ही इज एज फिर्म एज अ रॉक। तो इस तरह हम लोग सेंटेंस को, दो सब्जेक्ट हैं, एक एक करके दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट में रख रहे हैं और एज एज के बीच में एडजेक्टिव को रख रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंस हम बहुत ही आसानी से बना पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग भी देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग रहे, यह उतनी चमकदार है जितनी चांदी। तो इसमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट का यूज किया गया है इट, या क्योंकि चांदी है, नॉन लिविंग मटेरियल है, मटेरियल नाउन, तो इसलिए इट इज एज साइनी एज सिल्वर। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, इट इज एज साइनी एज सिल्वर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उतना लोभी है जितना भेड़िया, वह उतना लोभी जितना कि भेड़िया, उतना जितना, तो वह सब्जेक्ट हमारा ही इज एज ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लोभी, ही इज एज ग्रीडी एज भेड़िया एज अ वुल्फ, ही इज एज ग्रीडी एज अ वुल्फ। तो हम बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बोल पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे भाई उतने साहसी जितने कि शेर, मेरे भाई उतने साहसी हैं जितने शेर। तो साहसी के लिए होता है करेजियस, तो इसलिए अगर हम पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर्स आर एज करेजियस एज लायंस। तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का कोई भी सेंटेंस, उतना की जितना, उतनी की जितनी, इतना जैसे सेंटेंस कहीं पर भी आ रहा है तो आपको एज और एज के बीच में एडजेक्टिव को रखकर सिंपल टेंस को फॉलो करते हुए सेंटेंस को हमें बना देना है। और इसमें कोई भी सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, सब कठिन से कठिन आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे।